नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। लाल बर्रा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली समस्त पंचायतों के सचिवों ने आज मुख्यालय पहुंचकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर पंचायत सचिव गांव में सरकार के सच्चे सैनिक की तरह कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर सचिवों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका कार्य कर सरकार द्वारा इन्हें कोरोना योद्धा घोषित किया गया। सचिव दुर्भाग्य बता रहे हैं, समस्त सचिव सरकार के इस रवैये से नाखुश हैं कि उन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनके सामने जीवन यापन सहित अन्य समस्याएं आ रही हैं। इस संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए ब्लॉक अध्यक्ष भोजराज राहंगडाले एवं मीडिया प्रभारी अभिषेक अवधिया ने बताया कि सचिवों का 2 माह का बकाया वेतन का भुगतान जल्द से जल्द नहीं होने पर 15 जुलाई से नो पेमेंट नो वर्क की तर्ज पर कमलबंद का रास्ता अपनाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा, जिसके कारण ग्रामीणों को होने वाली समस्या के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पंचायत सचिव संगठन, पंचायत सचिव संगठन, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हम लोग हमारे जो सचिव लोगों को करीब 2 माह हो गया वेतन प्राप्त है। इसी कार्यक्रम में क्रांति निकाय के आह्वान पर माननीय हमारे दिनेश शर्मा जी अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन भोपाल, उनके आह्वान पर हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन माननीय जो कार्यपाल महोदय के द्वारा ज्ञापन श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन दिया है। और हम लोग जैसे कि कोरोना वायरस COVID-19 कोरोना के उपलब्ध में एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और समस्त ग्राम शासन के गतिविधि में भाग ले रहे हैं, फिर भी हमें 2 माह हो गए वेतन मान जाए, इसलिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है। हम शासन से यह आग्रह करते हैं कि हमें प्रतिमाह 5 तारीख के अंदर में वेतन दिया जाए। वेतन के लिए भी जैसे कि हम लोग इतना काम करते हैं, हम लोगों को अधिकारी से लेकर ऊपर शासन स्तर के भी निर्देश आते हैं कि हर कार्य को 2 दिन में करना, उसके बावजूद भी हम लोग 2-3 दिन में करके देते हैं। अर्जेंट कार्रवाई करने के बावजूद भी हम लोग इतना प्रताड़ित होते हैं कि पेमेंट जैसे के लिए हमको भी लड़ाई लड़ना पड़ता है और मान पड़ना पड़ता है। हमारी मूल समस्या ये है कि हम लोगों को जब आप नियमित कर दिए हो तो नियमित वेतन भी जारी करें और जो गूगल शीट बनाई जाती है उसको पेमेंट की व्यवस्था गूगल शीट पर कर दो तो प्रतिमाह वेतन होगा। वेतन जो विसंगति हमारी आ रही है, किस कारण से आ रही है, इसको आप दुरुस्त करें। हर बार कभी 5 महीने के लिए रुक जाता है, कभी कभी 3, कभी 2, ऐसी प्रदेश में पूरा हाल है। आज पूरे 313 जनपद हैं हमारे प्रदेश के, उसमें पूरा यही कार्यक्रम किया जा रहा है कि ज्ञापन दिया जा रहा है और गूगल पे के माध्यम से हम लोगों का पेमेंट करवाया जाएगा। अभी तक कैसे पेमेंट आ रहा था? अभी हम लोगों को खनिज बस से अलाटमेंट आने के बाद जनपद से होता था टेजरी में जाने के बाद। तो अभी क्या करें, जैसे अधिकारी जो है क्या बोला जाना? अभी तो हम लोग अधिकारी को ये बोले हैं कि हमारी जो तो मांगे हैं, ज्ञापन दिया गया है अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के। जगत के लिए लाल बर्रा से विजय रजक की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।